साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक से सौ तक के मध्य की छः से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए। साथियों समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और तीन नंबर में ये क्वेश्चन अगर आता है तो तीन नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साथियों इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आए, इससे रिलेटेड आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो साथियों इसको सोल्व करेंगे। एक से सौ तक के मध्य की छः से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है? एक तो छः छः चचंगा छत्तीस, गलत हो गया साथियों, इस तरीके से चलता जाएगा और यहाँ पर अपने पास में लास्ट में छियानवे तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए का मान अपने पास में आ जाएगा छः, डी का मान अपने पास में आ जाएगा बारह माइनस सिक्स इक्वल टू छः, इसमें अपने पास में ए एन का मान दिया है छियानवे और अपने पक को क्या करना है एन का मान अभी ज्ञात करना है, उसके बाद में अपने को क्या करना है योगफल का ज्ञात करना है। ठीक है, अभी एन का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे ए एन इक्वल टू अपने पास में ए प्लस कोस्टा के एन माइनस वन इक्वल टू डी होता है इसका सूत्र है। तो यहाँ पर ए एन का मान अपने पास में क्या दिया हुआ है छिन्न में इक्वल टू ए का मान अपने पास में कितना है छः प्लस एन माइनस वन, डी का मान अपने पास में छः है। इसके बाद में हम क्या करेंगे इस छः को इधर लेके आएंगे तो छिन्न में माइनस छः हो जाएंगे, ये अगर यहाँ पे प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, इसके बाद में ये हो जाएगा एन माइनस वन सिक्स, यहाँ पे हो जाएगा नाइन्टी इक्वल टू एन माइनस वन सिक्स, इस सिक्स को इधर ले लेंगे नीचे नाइन्टी माइनस बटे हुए सिक्स इक्वल टू एन माइनस वन आ जाएगा, इसके बाद में 90 के अंदर इसका भाग देंगे पंद्रह बार चला जाएगा, इसके बाद में यह हो जाएगा एन माइनस वन, तो इस माइनस वन को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 16 इक्वल टू एन, एन का मान अपने पास में क्या आ गया 16। इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे इसका योग, योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपने पास में एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक ए प्लस ए एन, तो एस एन सोलह इक्वल टू एन का मान अपने पास में सोलह बाई टू कोष्टक ए का मान अपने पास में कितना आ गया अब वो देखते हैं, ए का मान है अपने पास में सिक्स प्लस ए एन का मान है छिन्न में, तो इनको जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए इनको काट दीजिए एस एन सोलह इक्वल टू यहाँ पे अपन इसको काट देते हैं ये हो जाएंगे एट इंटू एक सौ दो, इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो एस एन सोलह इक्वल टू अपने पास में आ जाएंगे 816 इसके आंसर अपने पास में आ जाएंगे। किस तरीके से आए एक बार और समझा देता हूँ, एक से सौ तक के मध्य छः से विभाजित होने वाली संख्याएं हो जाएगी छः बारह अट्ठारह चौबीस तीस और छियानवे तक चली जाएगी, इसके बाद में ए का मान अपने पास में आ जाएगा छः, डी का मान आ जाएगा बारह माइनस सिक्स छः आ जाएगा, ए एन का मान अपने पास में दिया हुआ है छिन्न में, एन का मान ज्ञात करना है ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक डी, ये क्या होता है ए एन का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसके बाद में ये इसका मान है ए एन, इसका मान रख देंगे, रखने के बाद में इस तरीके से इसका मान निकल के सोलह आ जाएगा, फिर इसके बाद में अपने पास में योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक ए प्लस ए एन, इसके बाद में ए एन एस एन का मान अपने पास में सोलह एस सोलह इक्वल टू सोलह बटे वे दो कोष्टक सिक्स प्लस छिन्न में सोलह, ये दो से कट गए आठ बार इंटू एक सौ छः और छः अपने पास में एक सौ दो हो जाते हैं, गुणा करते हैं 816 इसका आंसर आ जाता है, इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो साथियों इसको देखते हैं,
इसमें होता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा बटे वे वन प्लस कोस थीटा। ये अपने को सिद्ध करके आंसर लेके आना है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा आर एच एस और इसको एल एच एस को अपने को क्या करना है सोल्व करना है एल एच एस। ठीक है सोल्व करते हैं। अपने पास में वन कोस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा वन बटे वे साइन थीटा ये हो जाएगा। कोट थीटा अपने पास में क्या हो जाएगा कोस थीटा बटे वे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपने पास में क्या होगा इसका क्या ले लेंगे हम लघुतम ले लेंगे। लघुतम लेने के बाद में क्या हो जाएगा साइन थीटा ये हो जाएगा वन माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे एक सर्वसमी का अप्लाई करेंगे क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये अपने पास में सर्वसमी का आ जाती है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे इसको लिखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ इधर वन माइनस कोस थीटा स्क्वायर बटे वे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगी। रुको साथी रुको यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में इसको लघुतम लेंगे तो ये पूरे कोष्टक में आएगा साइन थीटा। इसके बाद में इसको अलग अलग कर देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर इसको इसको कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है इस तरीके से होगा यहाँ पर ये सर्वसमी का लगाएंगे लगाने के बाद में ये आ जाएगा अपने पास में वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे हुए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होता है अपन इसको क्या कर सकते हैं इस सूत्र के इस अनुसार अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है अपने पास में ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी। ठीक है इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा वन माइनस कोस थीटा कोष्टक वन प्लस कोस थीटा। अब क्या होगा इसके बाद में अपन क्या करेंगे इस माइनस वाले कोस थीटा से इस कोस थीटा को काट देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू वन प्लस कोस थीटा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। समझ में नहीं आता तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। कोस थीटा कोसेक थीटा अपने पास में होता है वन बटे वे साइन थीटा माइनस कोट थीटा अपने पास में होता है कोस थीटा बटे वे साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यहाँ पे है तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में हमने लिया इसका लघुतम साइन थीटा वन माइनस कोस थीटा का दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों पे इसमें भी होल स्क्वायर तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं इस नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर को हटा देते हैं तो वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे वे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है इसके बाद में अपने पास एक सर्वसमी का होती है साइन स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है आप सब लोगों को पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये क्या कर देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे अपने को यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद में क्या हुआ अपन ने क्या किया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी कोस ए प्लस बी। तो इसी में हमने क्या किया वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे वे वन माइनस कोस थीटा कोष्टक वन प्लस कोस थीटा। तो हमने क्या किया वन माइनस कोस थीटा से इसको काट दिया माइनस वाली संख्या कट जाएगी ये पे दो पे दो है तो एक कट जाएगी। इसके बाद में अपने पास में क्या बचता है वन माइनस कोस थीटा बटे वे वन प्लस कोस थीटा जो ये
लेके आना था वो अपने पास में आ चुका। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं बहुत ही शीघ्र, तो आप इस वीडियोस को देख करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।